तो हाय गैस वेलकम बैक टू माय चैनल एंड डीजे फोटोडिंग। तो गैस आज मैं आपको लॉकडाउन एंड कोरोना वायरस दोनों को मिला करके एक फोटो मैनिपुलेशन एडिटिंग सिखाऊंगा। यहाँ पर एडिटिंग भी देख सकते तो बहुत ही असम लग रहा है। ये एडिटिंग में जो भी स्टॉक वगैरह यूज करने वाला हूँ हमेशा तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दो, जाकर से डाउन कर सकते हो। एंड गैस हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके साइड की बेल आइकन प्रेस का नाम ले। तो चलेगा इस बिना देर के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यार सबसे पहले आपको ये बिगन को डाउन कर देना, डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा और पिक्सआर्ट ऐप पर ओपन कर देना है। तो गाइस सबसे पहले आपको कह रहे हैं ये बिगन की जो क्वालिटी को थोड़ा इंप्रूव करना है। तो इंप्रूव करने के लिए आपको टूल्स पर क्लिक करके यहाँ पर रिसर्च पर चले जाना है। तो गाइस रिसर्च पर क्लिक करके यहाँ पर अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर हाइट को सभी को अंडू कर देना है। तो इस तरह से अंडू करके आपको 3, 8 और 7, 3 रखना है। और गाइस आपको यहाँ पर डन करके यहाँ पर रिसर्च पर क्लिक करना है। अभी हमारी जो बैकग्राउंड की जो क्वालिटी थोड़ा इंप्रूव हो चुकी है, अभी हमें एडिटिंग को स्टार्ट करना है। तो गाइस सबसे पहले आपको ये बैकग्राउंड को ले जाना है आपको ड्रॉ टूल पर, क्योंकि हमें ड्रॉ टूल पर मोल्ड की शैडो वगैरह क्रिएट करना है। बहुत ही अच्छी तरह से रियलिस्टिक तरीके से यहाँ पर शैडो क्रिएट हो जाता है। तो वैसे आपको यहाँ पर ड्रॉ टूल पर चले जाना है। तो यहाँ पर ड्रॉ टूल पर ओपन हो करके अभी आपको क्या करना है, मॉडल को ऐड करना है। तो गाइस मॉडल को ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर ऐड सब्जेक्ट पर क्लिक करना है। एंड गाइस आपको ऐड सब्जेक्ट पर क्लिक करके यहाँ पर फोटो पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप गैलरी पर आपकी जो फोटो को सिलेक्ट कर दें। तो गाइस मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ और मॉडल की जो बैकग्राउंड को मैं पहले से इरेज कर दिया हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं करने के लिए। सो गाइस आपको यहाँ पर जाकर डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा बैकग्राउंड इरेज का वीडियो। सो गाइस आपको जाकर के वो वीडियो को चेकआउट कर लेना है। तो यहाँ पर अभी बताऊंगा तो वीडियो बहुत ही लेंथी हो जाएगा, इसलिए नहीं बताऊंगा। सो गाइस आपको जाकर के वो वीडियो को चेकआउट कर लेना है। तो इस तरह से आपको मॉडल को फिट कर लेना है बैकग्राउंड के हिसाब से। तो गाइस आपको इस तरह से एडजस्ट करके अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर शैडो क्रिएट करना है। तो गाइस एडिटिंग में अगर शैडो अच्छी तरह से क्रिएट कर लेगी तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो गाइस शैडो कैसे क्रिएट करने हैं रियलिस्टिक तरीके से, तो यहाँ पर मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। अभी आपको कलर पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको कलर पर क्लिक करके यहाँ पर ब्लैक कलर सेलेक्ट कर देना है। अभी गाइस आपको यहाँ पर डन करके यहाँ पर कलर के नीचे आपको ब्रश आइकन मिलेगा, आपको ब्रश आइकन पर क्लिक कर दें और यहाँ पर आपको इसी आइकन पर क्लिक करके यहाँ पर हार्डनेस को जीरो कर देना है। तो इसी तरह आपको हार्डनेस को जीरो कर देना है और यहाँ पर साइज को आपको 75 रखना है और ओपेसिटी को भी 70 आपको 100 रखने हैं। और गाइस आपको दो स्टेप्स आपको शैडो क्रिएट करने हैं। पहले स्टेप को शैडो यहाँ पर जिस जगह पर शैडो क्रिएट करना चाहती हो उसी जगह पर आपको यहाँ पर ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरह से आपको ड्रॉ कर लेना है। तो ड्रॉ करने से पहले आपको लेयर बना देना है। तो आपको लेयर कैसे बनाना है, आपको यहाँ पर लेयर पर क्लिक करना है। एंड गाइस आपको लेयर पर क्लिक करके यहाँ पर क्या करना है, आपको एक इम्प्लेयर क्रिएट कर देना है। तो यहाँ पर आपको प्लस आइकन पर क्लिक करना है। एंड गाइस आपको प्लस आइकन पर क्लिक करके इम्प्लेयर पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर इम्प्लेयर हो चुकी है। ये इम्प्लेयर को आपको मॉडल के नीचे लाना है क्योंकि हमें जो शैडो देना है मॉडल के नीचे ही देना है। तो गाइस आपको इस तरह से इम्प्लेयर को नीचे ला करके यहाँ पर अभी आपको क्या है, इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। तो सिंपल आपको इस तरह से जिस जगह पर शैडो क्रिएट करना चाहती हो इसी तरह आपको ड्रॉ करके चले जाना है। तो यहाँ पर मैं जल्दी से कर देता हूँ। ये हमारे आपको इरेज पर क्लिक करना है। एंड गाइस आपको हार्डनेस को जीरो रखना है। आपको हार्डनेस को जीरो रखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ओपेसिटी आपको 20 के आसपास रखना है। तो यहाँ पर मैं 70 रखता हूँ। एंड गाइस आपको साइज को प्लस ही रखना है। तो प्लस आपको रखना है 80-90 के आसपास। अभी गाइस आपको सेट पर क्लिक करके इस तरह से जूम करना है। जूम करके आपको हल्का हल्का सा ड्रॉ करके आपको इस तरह से रियलिस्टिक बनाना है। तो मेरी तरह आपको रियलिस्टिक बनाना है, आपको मेरे को फॉलो करना है। तो इसी तरह आपको शैडो क्रिएट करना है। तो वैसे यहाँ पर देख सकते हो बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर मैं शैडो क्रिएट कर चुकी हूँ। आपको भी इस तरह से आपको हल्का हल्का सा इरेज करके आपको इस तरह से रियलिस्टिक बना देना है। तो वैसे अभी आपको क्या करना है, इमेज को डिस्कर्ड करके यहाँ पर बैक चलना है। तो बैक जाने दो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको मास्क पेंज को फिट करना है। तो वैसे आपको 8 फोटो चलना है। तो ये रहा 8 फोटो का ऑप्शन, आपको 8 फोटो क्लिक करना है। एंड गैस आपको 8 फोटो क्लिक करके यहाँ पर मास्क पेंज को यहाँ पर ऐड कर देना है। तो यहाँ पर मैं मास्क पेंज को ऐड करता हूँ। एंड गैस आपको अच्छी तरह से आपको फेस के ऊपर फिट कर लेना है। तो इसी तरह आपको छोटा बनाना है। एंड गैस आपको क्या करना है, अच्छी तरह से इरेज करने के लिए अभी आपको क्या है, ओपेसिटी कम कर देना है। इस तरह से कम करके आपको इस तरह से फिट कर देना है और आपको एक्स्ट्रा पार्ट को इरेज कर देना है। तो यहाँ पर मैं हल्का सा चैप्टर बना देता हूँ और गैस आपको इस तरह से फिट करके आपको एक्स्ट्रा पार्ट को इरेज करना है। तो गैस आपको इरेज पर क्लिक करना है। एंड गैस आपको इरेज पर क्लिक करके यहाँ पर आपको हार्डनेस को रखना है आपको 97.6 के आसपास और यहाँ पर साइज को कम कर देना है 20 के आसपास। और गैस आपको जूम करके इस तरह से आपको हैंड के ऊपर हटा देना है। तो अभी आपको क्या है, यहाँ पर डन करके यहाँ पर क्या करना है, ओपेसिटी को 100 कर देना है। बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर मास्क पेंज फिट हो चुकी है। अभी गाइस आपको यहाँ पर डन करके बैक चलें। और गाइस आपको फिर से आपको 8 फोटो जा करके यहाँ पर आके लाइट पेंज को ऐड करना है। तो यहाँ पर मैं जल्दी से ऐड करता हूँ और आपको कहाँ पर ऐड करना है आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस अभी आपको क्या है, यहाँ पर ये लाइट पेंज को ऐड कर देना है। और गाइस आपको यहाँ पर ब्लेंड मोड को चेंज कर देना है स्क्रीन कलर है।
तो ये रहा ब्लेंड मोड, आपको ब्लेंड पर क्लिक करना है एंड गैस आपको स्किन कर लेना है। तो स्किन करने में आपको हल्का सा यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ये लॉकडाउन, यहाँ पर दो लॉकडाउन का टैब मिलेगा, आपको ये इसी टैब के बीच में रखना है, हल्का सा बड़ा करके आपको रखना है, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो इस तरह से आपको रख लेना है एंड गैस आपको यहाँ पर डन कर देना है। तो गैस अभी आपको इमेज को सेव कर देना है, उसके बाद लाइटरूम पर इनपुट कर देना है कलर ग्रेडेशन के लिए। तो यहाँ पर आपको लाइटर आपको ओपन कर देना है एंड गैस मैं आपको प्रीसेट दे दूंगा, सिंपल आपको वही प्रीसेट को ओपन करके यहाँ पर कॉपी एंड ओरिजिनल फोटो के ऊपर जाकर पेस्ट कर देना है। तो ये प्रीसेट को ओपन करके लाइटरूम पर अभी आपको कहना है सिंपल आपको थ्री डॉट पर क्लिक करना है एंड गैस आपको थ्री डॉट पर क्लिक करके यहाँ पर आपको क्रिएट प्रीसेट का नीचे आपको कॉपी सेटिंग का जो ऑप्शन मिलेगा आपको कॉपी सेटिंग पर क्लिक करके यहाँ पर आपको राइट पर क्लिक करना है एंड गैस आपको बैक जा करके यहाँ पर प्रीसेट पर जो एडिटिंग किया था उसी पिक को यहाँ पर ओपन कर देना है। तो यहाँ पर मैं ओपन कर चुकी हूँ। अभी गैस आपको कहने सिंपल आपको फिर से आपको थ्री डॉट पर क्लिक करना है एंड गैस आपको थ्री डॉट पर क्लिक करके यहाँ पर आपको कॉपी सेटिंग का नीचे आपको पेस्ट सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर पेस्ट सेटिंग, तो गैस यहाँ पर देख सकते हो हमारे जो कॉपी पेस्ट करके हमारी एडिटिंग कंप्लीट हो चुकी है। सो गैस आपको भी इस तरह से कॉपी एंड पेस्ट कर रहे हैं। तो वैसे यहाँ पर हमारी एडिटिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो ये रहा बिफोर एंड आफ्टर, बहुत ही एडिटिंग हो चुकी है। आई होप आपको ये एडिटिंग अच्छी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, ऐसे ही इनको असेट का फोटो मिस ना रहे, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना भले। तो चलेगा, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में।